हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकनेक डिज़ाइन। 34 चेस्ट का बेकनेक डिज़ाइन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है डिज़ाइन करने के लिए इसके कॉन्ट्रास्ट में। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें हमारा ऑलरेडी वर्क आया है, मतलब बेक पार्ट का थोड़ा बहुत वर्क आया है। इसमें हम नेक पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा बेक पार्ट है। और अब ये यहाँ पे मैंने लिया है सिंपल प्लेन कॉटन अस्तर लिया है मैंने। यहाँ पे मेरे पास 1 मीटर अवेलेबल था, इसलिए मैंने 1 मीटर लिया है। आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हो इस साइज़ के लिए। अब नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़ा बराबर करने के लिए सबसे पहले। अब ऊपर लेंगे हम लेंथ, तो तैयार लेंथ हमें रखनी है यहाँ पे 13.5 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करके 14.5 इंच में निशान लगाएंगे। आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके निशान लगाइएगा। अब ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर लेंगे हम शोल्डर। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है 5 इंच। 10 इंच मैं यहाँ पे डीप नेक रखूँगी इसलिए, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्मोल्स हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि मेरी आर्मोल्स की जो गोलाई है वो 15 इंच है। अगर आपकी 15 से कम है तो आप 5.25 इंच भी ले सकते हो, मतलब 5.25 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। यहाँ पे आर्मोल्स का निशान लगाने के बाद देखिए, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए, हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे नेक की तरफ। जब हम डीप नेक बनाते हैं तो 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं नेक की तरफ। तो इस तरीके से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है हमारी 34 का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। नीचे लेंगे हम वेस्ट। वेस्ट है हमारी 28 मतलब 28 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1 इंच हम टक्स के लिए ऐड करेंगे यहाँ पे, और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे जितना हमने चेस्ट में किया था। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करने के बाद देंगे हम आर्मोल्स की गोलाई, तो कोने पे टेप को रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे, तो नेक की जो वृत्त रख रही हूँ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.25 इंच। अगर आप डोरी नहीं लगाते हो तो आप यहाँ पे 2 इंच रखिएगा नेक वृत्त। तो 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपको जितना डीप रखना है। और नीचे से नेक की लेंथ जो चौड़ाई है, मतलब की वृत्त है, वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंच। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे नेक का। यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक का जो वर्क है उसे हमें ऐसे बराबर करते हुए मिलाते हुए रखना है, ताकि दोनों साइड जो हमारा वर्क है वो इक्वल आए। इस तरीके से अच्छे से हमें बराबर करके इसे रख लेना है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर इस तरीके से। नीचे की साइड हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन का। और यहाँ पे देखिए, इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। अब हम करेंगे स्टिचिंग। अब देखिए, मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे खोल के इस तरीके से, और इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से। मार्जिन वाला पार्ट लेते हुए हमें देखिए इस तरीके से इसे रख लेना है और पिनअप कर लेना है अच्छे से सेट करते हुए। नीचे बराबर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए पिनअप कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से पिनअप करने के बाद ऊपर से नेक को अच्छी तरह से सेट करते हुए हम ऊपर की तरफ भी पिनअप कर लेंगे नेक में। दोनों साइड नेक में पिनअप करने के बाद देखिए, पूरे नेक में हम सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है वो हम कट कर लेंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद पूरे नेक में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। फिर देखिए, अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरीके से पलटेंगे और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। सिलाई
डाई लगाने के बाद देखिए अंदर अस्तर वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट करने के लिए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कपड़े को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। कोई भी सल या क्रीस नहीं आनी चाहिए हमारे कपड़े में। एक बार चेक कर लेंगे हम अच्छे से। इसे चेक करने के बाद देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए जो मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया था वो लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें से हम 3 इंच की पट्टी कट करेंगे, स्ट्रेट पट्टी। तो देखिए यहाँ से मैं 3 इंच की पट्टी कट करूँगी, 3 इंच पे मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम पूरे कपड़े में और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी बनाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है एक। पूरी पट्टी में हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी पट्टी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पट्टी को कट करेंगे। तो 3 इंच का एक पीस कट करेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हम 3 इंच का एक पीस कट कर लेंगे। पीस हमें ऐसे ही कट कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं। अब इससे हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया है, इसे देखिए हम इस तरीके से टाके लगाएंगे छोटे छोटे से एक साइड में। मैचिंग का धागा लेना है हमें यहाँ पे, ताकि जो धागे की सिलाई है वो ना दिखे हमारी। देखिए इस तरीके से टाका लगाने के बाद देखिए धागे को हम इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए दोनों मुंह को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे हम एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। जैसे वीडियो में मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे इस पैटर्न को रेडी करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे डिजाइन बना रही हूँ यहाँ पे। सेम इसी तरीके से हम एक और पैटर्न रेडी करके बताती हूँ मैं आपको। और सेम इसी तरीके से हमने जितनी भी पट्टियाँ कट की है यहाँ पे उन्हें इसी तरीके से रेडी कर लेना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक और रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। अब देखिए मैंने एक और फैब्रिक लिया है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में। तो इसके हम 2x2 के कुछ पीस कट करेंगे, मतलब 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई के कुछ पीस हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसे हम बनाएंगे पोटली बटन्स। तो यहाँ पे पोटली बटन्स बनाने के लिए मैंने थर्माकोल की बॉल ली है। इसे हम इसके अंदर इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और धागे की मदद से सेम मैचिंग का धागा हमें यहाँ पे लेना है। मैचिंग के धागे से हम इसे ऊपर की तरफ बांध लेंगे इस तरीके से। अच्छे से बांधने के बाद देखिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है इस पोटली बटन्स का उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और जो हमने पैटर्न बनाया था पहले
इसे इसके ऊपर देखिए इस तरीके से रखेंगे हम सेंटर में और इसे सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का आएगा। सेम इसी तरीके से एक और पीस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पोटली बटन हम रेडी कर लेंगे। अब इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें सारे पैटर्न रेडी करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पैटर्न रेडी कर लिए हैं। इसे हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो देखिए इसे हम ब्लाउज में इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से हाफ इंच हम छोड़ देंगे शोल्डर की सिलाई का। उसके नीचे से हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे इसे इस तरीके से। सेकेंड वाला पीस देखिए हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से एक के नीचे एक हमें इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है पूरे नेक में। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो लग चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे फिनिशिंग के लिए देखिए यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी से हम उरेब पट्टी कट करेंगे, मतलब जो खिंचाव वाली पट्टी आती है हमारी वो कट कर लेंगे। लगभग 1.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर नेक रखेंगे इस तरीके से। एकदम हल्का सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है पट्टी को इस तरीके से। पूरे नेक में हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को अटैच करने के बाद देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा मार्जिन है पोटली बटन्स का उसे कवर करते हुए हम यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे पूरे नेक में। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे पट्टी को कवर करते हुए यहाँ पे इसे सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरीके से आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी पट्टी है वो लगकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सेंटर मार्किंग करेंगे। अब सेंटर से टक्स की दूरी लेंगे हम यहाँ पे 4 इंच, दूसरी साइड भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और टक्स की जो लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 इंच रख रही हूँ, तो दूसरी साइड भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टक्स लगा लिया है और कमर पट्टी भी लगा ली है। अब यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। तो ऊपर से देखिए 1.5 या 2 इंच जितना आपको गेप छोड़ देना है और ऊपर की साइड डोरी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे मैंने डोरी भी बना ली है। तो देखिए इन डोरी को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड डोरी अटैच कर लेनी है हमें। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।